गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और पॉलिटी में एक नए अध्याय के साथ फिर से हाजिर है। आज हमारा क्या मैटर है, आज हम लोग भाग पाँच के बारे में मुख से पढ़ेंगे। और ये भाग पाँच का वर्णन कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 152 से 237 में है। और इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, तो हम लोग इससे पहले भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार पढ़े थे। भाग एक क्या है, भाग एक नागरिकता भाग एक संघ और राज्य से संबंधित है। और इसमें क्या है, तो आर्टिकल एक से चार तक दिया हुआ है। फिर भाग दो आता है, वो नागरिकता संबंधित है, वो पाँच से लेकर 11 तक है। भाग तीन में आपके मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट आते हैं, जो 12 से लेकर 35 तक उसका वर्णन है। इसी तरह भाग चार उसमें क्या, तो DPSP है, और वो कहाँ है, तो आर्टिकल 36 से लेकर और आर्टिकल 51 तक है। और उसी तरह भाग चार का एक ए है या क है, जो बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे, उसको मौलिक कर्तव्य कहते हैं, जो रूस से कॉपी किया गया था यानी सोवियत संघ कहिए। तो वह कहाँ है, तो 51 के क में है, और पहले 10 थे लेकिन अब 11 है। उसके बाद भाग पाँच के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक विस्तृत रूप से, उसमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ता है, राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर संसद, संसद के बारे में उसकी राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के स्पीकर, और इनके कैसे कैसे चुनाव होगा, फिर जो संसद की कार्यवाहियाँ, उसके कैसे कैसे कार्य दिवस होते हैं, उसकी योग्यताएँ, संसद के प्रिविलेज, उसके क्या क्या राइट्स हैं, संसद सदस्यों के अधिकार, फिर उसमें कितने तरह का प्रस्ताव आएंगे, कितने तरह की समितियाँ होंगी, इस सब के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए हैं। और आज हम लोग उस मुख्यतः जो 51 आर्टिकल 52 से 151 तक है यानी भाग पाँच, वह संघ यानी केंद्र को समर्पित, उसी तरह राज्य के लिए भाग छः है, और जो 152 से लेकर 237 तक ये आर्टिकल नंबर है, इसमें उसका वर्णन है। तो शुरू कर, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग राज्य की कार्यपालिका। जिस तरह केंद्र की कार्यपालिका में क्या होगा, तो तीन लोग, राष्ट्रपति, लोकसभा और विधान, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह राज्य में किसी राज्य का गठन होगा, तो राज्य में राज्यपाल और विधान परिषद, और जहाँ विधानसभा और जहाँ पर विधान परिषद है वहाँ पर विधान परिषद आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग राज्यपाल के बारे में, सबसे ज़्यादा चर्चित, सबसे ज़्यादा विवादित नाम राज्यपाल। राज्य विधानमंडल का क्या है, तो अभिन्न अंग है। राज्य की कार्यपालिका का ये औपचारिक प्रधान है, तथा केंद्र सरकार की प्रतिनिधि भी है, या कौन तो राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति कौन तो राष्ट्रपति करता है, क्लियर, कहाँ तो आर्टिकल 155 क के अंतर्गत। सातवें संशोधन 1956 के बाद एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, कब, तो सातवें संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1956 की बात है। अब राज्यपाल होंगे तो इनकी कुछ नियुक्ति के लिए कुछ अर्हताएं, एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए, कोई व्यक्ति राज्यपाल बनने के लिए तभी पात्र होगा यदि वह भारत का नागरिक है, सही बात है, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, यही बात है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में भी लागू होगी, लेकिन राज्यसभा में 30 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए या MP बनने के लिए मात्र 25 वर्ष। राज्यपाल पद के लिए कुछ शर्तें हैं, कंडीशन, उस व्यक्ति को संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त होता है, तो सदन में उसका स्थान क्या समझा जाएगा, उसका स्थान पद ग्रहण की तारीख से रिक्त हो जाएगा, खाली समझा जाएगा कि भाई अब आप उस पद पर न रहें। राज्यपाल पद पर आसीन व्यक्ति लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा, को जो राज्यपाल होगा वो। आगे देखते हैं, अब उसका पदावधि यानी टर्म ऑफ ऑफिस, तो आर्टिकल 156 में राज्यपाल की पदावधि से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, कहाँ, तो आर्टिकल 156 में राज्यपाल की पदावधि से संबंधित उपबंध हैं। इनमें तीन बातें बताई गई हैं, कौन, तो एक नंबर, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर ही वो अपना पद धारण करेंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति कैसे बनाएंगे, जो प्रधानमंत्री कहेंगे वही करेंगे। दूसरा, वह राष्ट्रपति को संबोधित कर क्या करेंगे, तो त्याग पत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकेंगे, यानी अब अगर राज्यपाल को अपना इस्तीफा देना हो तो किसको कहेंगे, वो राष्ट्रपति के नाम से लेटर लिखेंगे। चौथा और तीसरा, उपयुक्त दोनों उपबंधों के अधीन रहते हुए वह 5 वर्षों की अवधि तक अपने पद पर रहेगा, क्लियर है, समानता बात है कि वह 5 वर्षों की अवधि तक ही रहेगा, क्लियर है। अंत में यह भी कहा गया है कि वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक
पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, यानी डायरेक्टर न हटेंगे। इस बंद का प्रायोजन यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कारण से राज्यपाल का पद खाली न हो। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में राज्यपाल हैं, इनको वेतन भी तो चाहिए, उनको सुविधाएं भी चाहिए और उनका कुछ राइट्स भी होंगे, अधिकार। देखिए आर्टिकल 158 के अनुसार राज्यपाल को वह वेतन भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे जो संसद यानी केंद्र सरकार, केंद्र क्या करेगी तो कानून यानी विधि द्वारा निर्धारित करेगी। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो अब क्या होगा, तो राज्य राष्ट्रपति जो कहेंगे द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार उसके वेतन व भत्तों का खर्च वहन करेंगे। जो राष्ट्रपति जी कहेंगे वही चीज से वेतन दिया जाएगा। राज्यपाल के वेतन और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान निगेटिव यानी कम नहीं हो सकते हैं। ऐसा ना है कि जब राज्यपाल बने थे तो उस समय वेतन 2 लाख था और 50,000 करते, नहीं बढ़ेगा घटेगा नहीं। राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, यानी यहाँ पर वो राष्ट्रपति के बराबर हो गए। अपनी पदावधि के दौरान राज्यपाल को आपराधिक मामले की सुनवाई से छूट प्राप्त होगी, यानी अगर वो अपराध भी किए होंगे तो उस मामले से उनको सुनवाई की छूट होगी। किनको तो राज्यपाल को। इस दौरान न तो ऐसी कार्रवाई शुरू की जा सकेगी, न ही यदि पहले ही शुरू हो चुकी थी तो चालू रखी जाएगी, वो समाप्त कर दी जाएगी। कार्यकाल के दौरान राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास के लिए आदेश देने की अधिकारिता किसी न्यायालय को प्राप्त नहीं है भाई। विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को 2 माह की अग्रिम नोटिस देकर उसके खिलाफ सिविल मामलों यानी निजी कृत्य की न्यायालय में सुनवाई की जा सकती है। उनका पर्सनल मामला हो उसमें वो उनकी सुनवाई हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक मामले में नहीं होगी। आगे देखिए, अब साधारण विधेयक है, इस संबंध में भी कुछ है राज्यपाल के अधिकार। जैसे जब कोई विधेयक अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास कुछ अधिकार हैं, यानी विकल्प हैं, अधिकार नहीं कहीं उनको विकल्प हैं। 1, वह विधेयक को स्वीकृति देने की घोषणा कर सकता है, ये तो कितना अच्छा बात है। 2, वह विधेयक पर स्वीकृति रोक लगा देगा, भाई यहाँ पर विवाद हो जाएगा। वह विधेयक को विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, यदि विधानमंडल उस विधेयक को राज्यपाल द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ या उनके बिना पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति देनी पड़ेगी। यानी राज्यपाल एक बार लौटा दिए, क्लियर है, अब दोबारा फिर से संशोधन करके भेज दे या फिर दोबारा इसी तरह भेज दे, तब क्या होगा, राज्यपाल को पास करना पड़ेगा, यानी स्वीकृति देनी होगी, वो बाध्य हो जाएंगे। और आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित भी रख सकता है। अब यहीं पर आती है कि राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति से कम है कि ज़्यादा। राष्ट्रपति किसको भेजेंगे, उनको पास करना है, लेकिन राज्यपाल आरक्षित रख लेंगे कि हम राष्ट्रपति को भेज रहे हैं। इसकी स्वीकृति के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है। इस आरक्षित विधेयक के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश देकर विधेयक को धन विधेयक को छोड़कर यानी धन विधेयक को नहीं ले सकते, बाकी सबको पुनर्विचार हेतु विधायकों को लौटा सकता है। लेकिन यह विधायिका पुनः विधेयक को संशोधन के लिए के साथ या संशोधन की विधा बिना राष्ट्रपति को भेजती है तब क्या होगा, तब राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य न है। वही बात, अगर राज्यपाल तो राज्यपाल बाध्य हैं लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यदि राज्यपाल की राय में कोई ऐसा विधेयक जिसके विधि बन जाने पर संविधान में परिकल्पित उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी कर देगा तो ऐसे विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित रखेगा, मस्ट है रख देगा। यदि 200 के अंतर्गत यानी आर्टिकल 200 के तहत आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने या अनुमति रोक देने की घोषणा का वर्णन अनुच्छेद 201 में किया गया है, मतलब जो आर्टिकल 200 के तहत आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने या अनुमति रोक देने की घोषणा का वर्णन कहाँ है तो 201 में किया गया है, क्लियर है। आगे देखिए, अब धन विधेयक के बारे में, वह विधेयक को स्वीकृति देने की घोषणा कर सकता है जिससे वह अधिनियम बन सकता है, प्रायः वह स्वीकृति ही देता है क्योंकि विधानसभा में धन विधेयक पेश किए जाने से पहले उसकी पूर्व सहमति ली जा चुकी होती है, किसकी तो राष्ट्रपति की, या फिर वह धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित कर सकता है। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ व अध्यादेश की शक्तियाँ आर्टिकल 213 राज्य स्तर पर लगभग वे ही हैं जो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति को है, क्लियर है। राष्ट्रपति को कहाँ मिलेगा, 1, 2, 3 और
राज्यपाल को तो 2(1)(3) के अधीन शक्तियां प्राप्त है, क्लियर है। अब राज्यपाल हैं तो कुछ इनके विवेकाधिकार भी शक्तियां होंगी। तो देखिए व्यक्त रूप में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां कैसे, पहला किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं आर्टिकल 200 के तहत, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर देंगे, अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में पड़ोसी केंद्र शासित राज्य में बतौर प्रशासक के रूप में कार्य करने की इनके पास शक्ति है। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, याद कीजिए एटीएम में मनी नहीं है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम लेकिन मणिपुर न है इसमें, नागालैंड भी नहीं है, सिक्किम भी नहीं है, असम भी नहीं है, केवल असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्पादन की रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला यानी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट परिषद को देय राशि का निर्धारण कौन करेगा, तो राज्यपाल करेंगे। राज्य के प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना कौन करेगा, तो राज्यपाल करेंगे, क्लियर हो गया। तो राज्यपाल के बारे में ये संपूर्ण जानकारी थी। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे तो मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे तो अगले वीडियो में, तब तक आशा करते हैं अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।